आर्किटेक्चर है वो देख लेते हैं नियन कि परचेज रिटर्न जो है वो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपके पास वेंडर्स के नेम आ रहे हैं, रिटर्न का नंबर आ रहा है जो आपने परचेज रिटर्न किया है, आइटम नेम आ रहा है, उसका रेट आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है उसकी। एक चीज जो नहीं आ रही वो ये है, ये क्या लिखा हुआ है आफ्टर एग्जैक्टली, यानी ऐसा नहीं है कि आपने माल खरीद लिया और महीने बाद आ जाए वापस कर दिया, जैसे अक्सर आप खरीदते हो ना तो उन्होंने कहा होता है सेवन डे रिटर्न पॉलिसी। इस तरह डिफरेंट कंपनीज की भी रिटर्न पॉलिसी है, लेकिन चार दिन का आपके पास टाइम है, अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल आई है आपको पसंद नहीं आई तो आप चार दिन के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। यहाँ पर डेट नहीं है, डेट आपने मैनेज कर लिया, यानी डेट आपने फाइंड कर लिया एग्जैक्टली। तो आपने जैसे आई बी एम को रिटर्न कर रहा है तो आपने देख लिया आई बी एम को कब सेल परचेज किया था 17 को, तो चार दिन का टाइम है, 21 तक आपके पास टाइम कि आप रिटर्न रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो परचेज रिटर्न के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, टास्क में, और टास्क में हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ रही है, क्या लिखा हुआ है वेंडर रेट। दूसरी ऑप्शन परचेज रिटर्न के लिए वेंडर एंड परचेज के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है क्रेडिट एंड रिटर्न्स, वेंडर एंड परचेज के बटन पे ऑप्शन आ रही है क्रेडिट एंड रिटर्न्स, रिटर्न कर लेते हैं। तो देखिए जी बिल्कुल वैसी विंडो ओपन हुई है, मैंने आपको बताया है परचेज ऑर्डर में, परचेज में, सेल ऑर्डर में, सेल में, परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न में, सेम वैसी विंडो ओपन होती है, ठीक है। और काम आपने कोई तीन करने हैं, सबसे पहले वो पर्सन सेलेक्ट करना है, दूसरे नंबर पे डेट और उसका रसीद नंबर या वाउचर नंबर दे देना है, और तीसरे नंबर पे आइटम और क्वांटिटी बता देना है। तो वही काम हम करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परचेज रिटर्न हम किसको कर रहे हैं, आई बी एम को, उसका रिटर्न नंबर ये है जिसको हम कॉपी कर लेते हैं। आई बी एम को तीन कंप्यूटर जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आई बी एम। और याद रखिए परचेज रिटर्न के हर केस में ये विंडो ग्रे होगी, ये परचेज रिटर्न जो होगी वो किसी ना किसी इनवॉइस के अगेंस्ट होगी, अगर यहाँ पे विंडो ग्रे नहीं होगी, ठीक है, तो इसका मतलब आपने परचेज नहीं डाली हुई, रिटर्न डालने जा रहे हैं, ठीक है, यानी माल खरीदा नहीं हो वापस करने जा रहे हो, इस तरह की विंडो आ रही है जो एडिट हो सकती है, तो इसका मतलब है आपने पहले परचेज नहीं डाली हुई या आप गलत रिटर्न रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एडिट नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पर डेट बता देते हैं, हम कर लेते हैं 17 को खरीदा था तो ये क्या होगी 21 कर लेते हैं, और यहाँ पे उसका क्रेडिट नंबर लिख देते हैं परचेज रिटर्न नंबर, ठीक है, और यहाँ से उसकी इनवॉइस लेते हैं। अब देखिए पी पी मतलब बिल आ रहा है उसका, उससे 32 खरीदे थे, रिटर्न कितने कर रहे हैं 3, सिर्फ रिटर्न वाले कॉलम में 3 लिख देंगे और क्या कर देंगे बस। अगली परचेज रिटर्न कर लेते हैं, यहाँ से गैस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बिल सेलेक्ट कर लेंगे, तारीख और 32 खरीदने हैं, रिटर्न वाले कॉलम में जस्ट रिटर्न लिख देंगे कितनी रिटर्न है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और डेट बता देंगे 19 को खरीदी थी, 22 कर लो, 21 कर लो, रिटर्न का नंबर बता दो क्या है, और क्या करो कोई मुश्किल हो